वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए गुरुवार को एसपी सिटी सोनम कुमार एवं एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने तिवारीपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न कंटेनमेंट जोन का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित क्षेत्र में तैनात लेखपाल को कंटेनमेंट जोन के व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसका गुरुवार को निरीक्षण किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि जिस तरह से कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाने के साथ सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है, साथ ही खाद्य रसद और दवाइयों की सप्लाई ऑनलाइन की जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में क्षेत्र में 18 मेगा कंटेनमेंट जोन है, जहां पर बैरिकेडिंग कर अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने पर प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर एसपी सिटी के साथ कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करने के साथ संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग करने के साथ ही कंटेनमेंट जोन में एसेंशियल गुड्स, राशन, दूध और मेडिसिन सहित जरूरी सामान ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जाएगा। इस मौके पर तिवारीपुर थाना प्रभारी, लेखपाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया। हेलो, वहाँ भी आज एक लड़का स्टार्ट हुआ छोटे छोटे घरों की बजाय बड़े बड़े घर से पड़ते हैं। मोहल्ला वाइज कंटेनमेंट का आस पास के जितने घर से इन सब की जोन बनाना है। वहाँ बैरेज यहाँ उतने वहाँ बैरेज लग गए, उनके वहाँ बैरेज लग जाए। इस जोन को सिंगल मैक्रो जोन बनाए, जितने आपको घुसने से शुरू कर दें। हाँ, केवल एक एंट्रेंस और एग्जिट रहेगा। तो हम पूरे उसके पार्टन कर दो, पूरी पार्टन कर दो मैक्रो जोन।
इसमें दिया है नक्शा तुम्हारी वो मिला भी नहीं है 12 घंटे का नक्शा ले लो और बैंक पर करो उसे शाम को मिलते हैं जैसा 10 लाख नीचे है सर इसको देख के ऐसा नहीं मैप के हिसाब से मत करिए अपने विवेक से करिए ठीक है आप जो चेंजेस करेंगे वो हम मैप में इंट्रोड्यूस करेंगे ठीक है सूची इंपॉर्टेंट मैप बाद में चेंज करेंगे जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के आदेश पर मैं एडीएम सिटी और एसपी सिटी साहब ने ज्वाइंट विजिट कर रहे हैं सभी कंटेनमेंट जोन की। अभी तिवारीपुर में कंटेनमेंट जोन में हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर प्रॉपर बैरिकेटिंग करने के निर्देश दे दिए गए हैं और यहाँ पर एसेंशियल गुड्स मतलब राशन सामग्री है, दूध है, सब्जी है, मेडिसिन है, ये सब ऑनलाइन ऑन डिमांड मेडिसिन सप्लाई की जाएंगी और किसी भी आदमी को अपने घर से निकलना नहीं है और इसका सैनिटाइजेशन दिन में 2-3 बार किया जाएगा और इसको स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखी जाएगी कि यहाँ के आदमी आपस में एक दूसरे से संपर्क में ना आए और कोरोना की चेन को हम लोग ब्रेक करने में सफल हो जाए। सभी गोरखपुर वासियों से अनुरोध है कि घरों से वे वजह न निकले, संक्रमण को फैलने में रोकने के लिए आपके द्वारा चेन तोड़ने में पूरा सहयोग किया जा रहा है और इस सहयोग को बनाए रखें। देखिए क्योंकि कोविड की जो संक्रमण की गति है वो बढ़ती जा रही है तो पहले से अलग अलग हम लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया करते थे। जैसे कि जो भी कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आता है उस जगह को एपिसेंटर कहा जाता है। एपिसेंटर के आसपास 20-25 मीटर की दूरी तक हम लोग कंटेनमेंट जोन बना रहे थे, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन। अभी ऐसे ही कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि क्योंकि संख्याएं बढ़ रही हैं, हर जगह हमें सुरक्षा प्रोवाइड करनी होती है, हर जगह सैनिटाइजेशन करना होता है, हर जगह हमें खाद्य रसद और दवाइयों की सप्लाई करनी होती है, तो इनको ज्वाइन करके हम लोग अब मेजर कंटेनमेंट जोन बनाने जा रहे हैं जिसको हम लोग क्लस्टर का नाम दे रहे हैं। तो एक अगर एक या एक से अधिक कहीं को बीमार मिल रहे हैं तो उसके उस पूरे एरिया को हम लोग कंटेनमेंट जोन करेंगे और उसके बाहर से जो है अंदर आना और अंदर से बाहर जाना प्रतिबंधित होगा और अंदर की सारी सुविधाएं जो है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, साथ में सुरक्षा भी अलग से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे निरीक्षण किया गया है, बैरियर लगाए जाएंगे और साथ में बड़े पोस्टर भी लगाए जाएंगे और ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, पुलिस और प्रशासन दोनों की ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। देखिए अभी हमने जो निर्णय लिया है अभी 18 क्लस्टर्स जो मेजर कंटेनमेंट जोन में बात कर रहा हूँ, नगर निगम क्षेत्र में 18 क्लस्टर्स जो हैं हम लोग बनाने वाले हैं।